पहले पेपर फैक्ट्री के मैनेजिंग बोर्ड से मां की हिस्सेदारी घटाई और अपनी 80% करवा ली। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम दर्ज करा ली। ये आरोप बीजेपी नेता धनंजय राय पर उनकी मां ने लगाए हैं। गीता राय के मुताबिक बेटे ने उनके नाम दर्ज जमीन धोखे से अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया। सरकार है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? कोई बात नहीं सुन रहा है। एसपी उसी सबको फोन किया हमने निकालने के बाद, लेकिन कोई कुछ कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है। भाजपा के नेता लोग भी नहीं साथ दे रहे हैं। क्या कहें, मैं दर दर भटक रही हूँ। गीता राय ने बेटियों के घर पनाह ली है। इस बीच धनंजय राय ने विवादित प्रॉपर्टी पर भाजपा का स्थानीय कार्यालय खोल लिया और तुमको ही राज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार को किराए पर दे दिया। सारा प्रॉपर्टी लेकर के बेमानी करके हमको तरह तरह के बात करते रहता है कि हम मार देंगे, हम हाथ काट लेंगे, घर में घुसिएगा तो डर से हम आते नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं बस। अब मदर दर दर भटक रही है, हम लोग उनको देख रहे हैं। मदर को तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब अभी योगी जी की सरकार है, वो महिलाओं का बहुत वो संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन तो हम तो देख रहे हैं कि सब अभी भी पुलिस दरोगा एसपी कोई भी इस तरह से उसके ही बहकाव में सभी लोग। महिला के पति गोविंद प्रसाद राय अपने जमाने के बीजेपी के बड़े नेता थे। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उनकी मौत के बाद बेटे ने मां को घर से निकाल दिया और अब बूढ़ी मां न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं।